बदल गया है अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है होशियार है ना क्रोशित This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Hello, friends. Welcome to our YouTube channel. Friends, तो दोस्तों अगर आप दिलेश बोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेन वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मीना दिलेश पोता नजरिया नाजिम चेम्बर विनो जो सोबिन सा श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों टोली की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेत तो विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और कथा के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांसिन रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू से और टू सितम्बर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सिने बोट कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका सेंस गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ साथीप के मुक्शों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोर को और पूरे भारत में ट्वेंटी फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उद्कृष्ट समीक्षा प्रपान करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपनी पापसी की रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर की माध्यम से जिसे वह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका थ्रामस से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू सफलतापूर्वक जोसुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और इसक के उगम को एक वैतृ घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्रोत नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यूज एक लाइव चमत्कार की मांग करते जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यूज को चुप से नशीली पर्दा दे दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और असौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे स्थिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती है तीसरे दिन जो वह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईशाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशवा मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईशाक सहमत हो जाते हुए इस तेर की लोपो नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पैसों में आने का रहा है इस तरह अंग की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को जल्द समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस बीच थ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो जोसुआ का एक ओसाई है अपनी छोटी बेटी के बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक के और इशारा करते मैथ्यूज को एक को एक टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती थे और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कंच के क्यूबिकल में से एक में पाता है वे एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिर कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकटा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आरईफो सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई लेकिन तब हुआ इसके उच्च उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका की फौज को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहाद की बैकेबिलिटी भी बढ़ गई थी और रसी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ दुर्थियों को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज चाकत है और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे। फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की डरवे कुलक लत के धर्म और आध्यात्मिक कथा के वैसे कथन के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फासी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं के धर्म इन दिनों की एक वैश्य बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाकू ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसाद रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपने ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेशने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो की बेनीन जैसे के धर्म गुरुओं के गुरुआओं पर भी ध्यान दिया। फिल्म समीक्षा की रंगा ने देखा की ईसाई फ्रेम से अच्छा लगता है जो सुल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और व्यापारी को। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालमूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेण वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मीन दिलेश पोतन नजरिया नाजिम चेम्बर विनो जो सौबिन सा श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्ता फासिल के द्वारा अभिनेत्र बीजू प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी के द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और कथा के व्यवसाय कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांसिन रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 में टू से और टू सितम्बर 22 टू को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोट कैमरों का उपयोग करने वाली और साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका सेंस गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ सीप के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फरवरी वी को को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपनी पापसी की रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वह कविता नमक एक, की से, जिस एक बार कन्याकुमारी में मिला था विजू धोखेबाजो ड्र थ्रामस से मिलता है जो विजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोशुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू सफलतापूर्वक जोशुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोशुआ को मैथ्र नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यूज एक लाइव चमत्कार की मांग करते जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यूज को चुप से नशीली पर्दार्थ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जुसुआ पर हमला किया जिससे उसे स्थिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती है तीसरे दिन जो इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईशाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोपो नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पिसु में आने का रहा है इस तरह की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वो स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोशुआ को जल्द समझाने की कोशिश करते हैं कि इस उसकी कल्पना के ऊपर से इस नाम का का एक एक गरीब आदमी जो अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कार इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश कर जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक ओर इशारा करते जोसो मैथ्यूज को एक को, एक बलिया टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है। जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिर कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार ने बहुत फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकटा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकटा पर फोर्स सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह कर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशी ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबिलिटी भी बढ़ गई थी और रसीद को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज थे और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादरा की डरवे को लग धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कदम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की धर्म इन दिनों की एक वैसे बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मनवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनीत चाकू ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसादरोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपने वास्तविकता के बीच की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपने ही प्रचार में विश्वास कर लिया है और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फिर में लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के लिए लिखते हुए अस्त्री के गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोषकों ने ओसो की बेनीहीन जैसे कि गुरुओं के, के दस्तर भरों पर भी ध्यान दिए फिल्म समीक्षा की रंगन ने देखा कि ईसाई प्रीतिकवार हम हर फ्रेम से झलकता है जो सुल्टन के शुरुआती अवसर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थी फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेण वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मीन दिलेश पोता नजरिया नाजिम चेम्बर जो सौबिन सा श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रसीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्ता फाजिल के द्वारा अभिनेत्र बीजू प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी के द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के व्यवसाय कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांस ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू से और टू सितम्बर ट्वेंटी टू को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोर्ड हाई स्पीड सिने बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह फ साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फरवरी ट्वेंटी को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से जिसे वह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू के बाद स्लोमन डेविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोशुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू जोशुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी प्रिस्थिति के चरम पर जोशुआ को मैथ्री नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैत्र एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोशु ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यूज़ को चुकुर से नशीली पर्दाथ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पदार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती है तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोपो नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पिसु में आने का रहा है इस तिर अन्य के करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को यह समझ समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर थी इस बीच थ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो जोसुआ का एक ओसाई है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक की ओर इशारा करते जोसू मैथ्यूज को एक को, एक बालिया टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है। जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की के लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आदाईफोर सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रंस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रसी ने तभी मुख्य भूमिका लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबली भी बढ़ गई थी और रसी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला सेंडिवीजन ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ को शूट करने के लिए बोर्ड हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज श्या थे और रसूल पुकुटी के फिल्म की साउंड डिजाइनर थे। फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दसवें कुल की धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कदम के विषयों से संबंधित है हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की, की एक वैसे बन गए हम विनीत चाको ने कहा की फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसाद रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही प्र विचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेशने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है मधेरों या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने की बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुआओं के भरों पर भी ध्यान दिए फिल्म समीक्षा वरदान ने देखा की ईसाई प्रीतिकवार जो सुल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और को। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालमू के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेन वर्डकन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम बाल सूदे मीन दिलेश पोतन अजरिया नाजिम चेम्बन जो सौबिन साहित श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रसीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेत्र बीजू प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की तरह ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के व्यवसाय कारण के विषयों से संबंधित है ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू में और टू से ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोट कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोरवरी ट्वेंटी को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्रपात करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजू प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से जिसे वह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोशुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद सफलता पूर्वक जोशुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी परिस्थिति के चरम पर जोशुआ को मैथ्रो नमक एक रिपोर्टर के तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यू एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोशो ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यू को चुकुर से नशीली दे दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गई इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती। तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी साथ तोड़ देता है। फिर वह एक साइक के डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोपोज नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और या निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पेशों में आने का रहा है इस तिर अन्य की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस बीच थ्रामस नाम एक जो, का एक गरीब आदमी जो जोशुआ का एक ओसाई अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक की ओर इशारा करते जोसु मैथ्यूज को एक को, एक या टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचरण को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति थे और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम सट के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है वे एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौज फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आरफो सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहाद की बैकेबलिटी भी बढ़ गई थी और रसी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला सेंडिजन ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ को शूट करने के लिए बोर्ड हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज चाकार थे और रसूल पुकुटी के फिल्म की साउंड डिजाइनर थे। फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दगवे को लग के धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कलम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फासी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की, की एक वैसे बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि और करुणा धर्म से ऊपर है रहेन हेराल के विनय चाको ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसादरोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही विचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटी मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमे लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के लिए लिखते हुई अस्त्री के गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने जैसे के धर्म गुरुओं के दस्तर भरों पर भी ध्यान दिया फिल्म समीक्षा वरदान की रंगन ने देखा कि ईसाई प्रीति कवार हम हर फ्रेम से छकता है जोसुआ कॉल्टरन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश बोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसपेंटी टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विश्व वर्डकन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम बाल मेनन मीना दिलेश पोता नजरिया नाजिम चेम्बर जो सौबिन श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रसीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम और फासिल के द्वारा अभिनेता विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांस ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल ट्वेंटी टू का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई ट्वेंटी टू से और टू सितंबर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोर्ड हाई स्पीड इन्हें बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च ट्वेंटी के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ सीप के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोरवरी ट्वेंटी टू को और पूरे भारत में ट्वेंटी एट फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्रपान करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्त है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते हैं उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजु सफलतापूर्वक जोसुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बैतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्रो नमक एक रिपोर्टर के तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यू एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यू को चुप से नशीली पर्दा दे दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गई इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी साथ तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईशाक सहमत हो जाते हुए इस तेर की लोपो नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पेशों में आने का रहा है इस तरह अंग की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वो स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोशुआ को जैसा समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस विथ्रामस नाम एक जो, का एक गरीब आदमी जो जोशुआ का एक ओसाई अनुयायी है अपनी छोटी बेटी के बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक की ओर इशारा करते मैथ्यूज को एक को, एक लिया, टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचरण को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहा को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताते हैं जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम सट के रेड की लाइट एरिया में कंच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में बहुत फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आरफो सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबिलिटी भी बढ़ गई थी और रशीद को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ दुर्सियों को शूट करने के लिए बोर्ड हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है। अमन नीरज श्रृंखला थे और रसूल पुकूटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे। फिल्म का 2 सितंबर 2029 को पूरा हुआ। फिल्म माद्रा की दरवे कुल्हड़ के धर्म और आध्यात्मिकता के व्यवहार्य सिकरण के विषयों से संबंधित है, द हिंदू के साथ। एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं के धर्म इन दिनों की एक वैसे बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाकू ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष औसाद्रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपने वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही विचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आगे करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के लिए लिखते हुए आस्त्री के गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो की बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुओं के दस्तर भरो पर भी ध्यान दिए फिल्म समीक्षा वरदान की रंगन ने देखा कि ईसाई हम हर फ्रेम से झलकता लगता है जोसुआ कॉल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेष वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मीन दिलेश पोतन नजरिया नाजिम चेंबन विनो जो सौबिन सा श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे की कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेत्र विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी के द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांसफिन रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल ट्वेंटी टू का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई ट्वेंटी टू से में और टू सितंबर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोर्ड हाई स्पीड सीने बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका सेंस गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च ट्वेंटी के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फरवरी ट्वेंटी टू को और पूरे भारत में ट्वेंटी एट फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उद्कृष्ट समीक्षा प्रपान करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजू प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो बीजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कास्टिंग डायरेक्टर की माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका से मिलता है जो विजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते हैं उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू पूर्वक जोसुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्री नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्वी एक लाइव चमत्कार की मांग करते जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्वी को चुप से नशीली पदार्थ दे दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और असौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह सलोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोस्वा मानसिक रूप से बीमार है सलोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर की लोको नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पेशों में आने का रहा है इस तरह अंग की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और ईसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस बीच थ्रामस नाम एक जो, का एक गरीब आदमी जो जोसुआ का एक ओसाई अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक की ओर इशारा करते को एक को एक बा लिया, टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आधारित फोर सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह कारगर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहज को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबलिटी भी बढ़ गई थी और रसीद को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ दुर्सियों को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज शाहकार थे और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दरवे को के धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कलम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं के धर्म इन दिनों की एक वैश्य बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाको ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष औसाद्रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेशने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की देवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है मदिरो या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पाँच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुओं के भरो पर भी ध्यान दिए फिल्म समीक्षा वरदान ने देखा की ईसाई है। जोसुआ कोल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और व्यापारी को। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेष वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मेनन दिलेश पोता नजरिया नाजिम चेंबन विनोद जो सोबिन साहित श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेता विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और कथा के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू से और टू सितम्बर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोट कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका सेंस गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ के मुक्शों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोर वाई ट्वेंटी टू को और पूरे भारत में ट्वेंटी एट फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उद्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विस्तृत नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर की माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोशुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद सफलता पूर्वक जोशुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बैहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोशुआ को मैथ्र नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्वी एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्वी को चुप से नशीली पर्दाथ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और अस्र्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे स्थिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईशाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईशाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोपोज नमन एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पिसु में आने का रहा है इस तरह अन की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को जल्द समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर थी इस बीच थ्रामस नाम एक जो का एक गरीब आदमी जो जोसुआ का एक ओसाई अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश कर जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक के और इशारा करते को एक को एक टेप सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी के मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती थे और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कांच के एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे ही वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार ने बहुत फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देश फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकटा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आधारित फोर सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई लेकिन तब हुआ इसके उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका की फौह को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहाद की बैकेबलिटी भी बढ़ गई थी और रसी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू से, से में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा पहली बार फिल्म की कुछ दुर्सियों को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज चाकार थे और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादरा की डरवे को के धर्म और आध्यात्मिक कथा के वैसे कथन के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फासी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं के धर्म इन दिनों की एक वैश्य बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाको ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसादरोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेशने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है मधिरो या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पाँच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो बेनीन जैसे के धर्म गुरुओं के भरों पर भी ध्यान दिए फिल्म समीक्षा की रंगा ने देखा कि इसाई हम ईसाई फ्रेम से अच्छा लगता है जो सुल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और व्यापारी को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेन वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मीना दिलेश पोतन नजरिया नाजिम चेम्बर विनो जो सौिन सा श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों टोली की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेत्र तो विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और कथा के व्यवसाय कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांसफिन रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल ट्वेंटी टू का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई ट्वेंटी टू से और टू सितंबर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह फ साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ साथीप के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वह कविता नमक डायरेक्टर से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था विजू के बाद स्लोम ड्रिस और इसका थ्रामस से मिलता है जो विजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो वीजू का नाम बदलकर जोशुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू सफलतापूर्वक जोशुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोशुआ को मैथ्र नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यूज एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यूज को चुकुर से नशीली पर्दाथ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गई इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जुसुआ पर हमला किया जिससे उसे स्थिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती है तीसरे दिन जो इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोगों नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पैसों में आने का रहा है इस तरह जोशुआ की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को जल्द समझाने की कोशिश करते हैं कि इस उसकी कल्पना के ऊपर थी इस बीच थ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो का एक ओसाई है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कार इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करते जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर माइंड के रूप में स्लोमन और इसहाक के इसहा इशारा करते जोसो मैथ्यूज को एक को, एक बलिया टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इस हाँ को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है। जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉटर्ट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिर कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार ने फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकटा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकटा पर फोर्स सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह कर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रश्मि ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबलीटी भी बढ़ गई थी और रशी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला दिसंबर में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज छियाकांत थे और रसूल पुकुटी के फिल्म की साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दसवें को लग धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कदम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की धर्म इन दिनों की एक वह बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनीत चाकू ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसाद रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पाँच सितारा होटल की लंबी में फिर में लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के लिए लिखते हुए अस्त्री के गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय के ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोषकों ने ओसो की बेनीहीन जैसे कि गुरुओं के, के दस्तर भरो पर भी ध्यान दिया फिल्म समीक्षा की रंगन ने देखा कि ईसाई हम हर फ्रेम से लगता है जोसुआ सुल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश बोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थी फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेन वर्डन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम बाधु मीना दिलेश पोता नजरिया नाजिम चेम्बर विनोजो सौबिन श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे की कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रशीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेत्र बीजू प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी के द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया के की पर निर्भरता धर्म और कथा के व्यवसाय कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांस ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू से और टू सितम्बर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ साथीप के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोरवरी ट्वेंटी और पूरे भारत में ट्वेंटी फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को वित्त नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी की रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू के बाद स्लोमन ड्रिविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोशुआ कल्टन रख जोसुआते शुरू में झिझकने के बाद वीजू जोशुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी प्रिस्थिति के चरम पर जोशुआ को मैथ्री नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यू एक लाइव चमत्कार की मांग करते जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यू को चुप से नशीली पर्दार्थ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करते तीसरे दिन जुसवा इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी शीशा तोड़ देता है फिर वह एक साइक के डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेरह की लोपो नमन एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं का का खुद अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने और में अब आने और फिर पेशों में आने का रहा है इस तेरह अंगजुस की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और ईसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को यह समझ जाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर थी इस बीच थ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो जोशुआ का एक ओसाई अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक की ओर इशारा करते जोसो मैथ्यूज को एक को, एक या टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताते हैं जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रांस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आधारित फोर्स सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह कारगर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशी ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबिलिटी भी बढ़ गई थी और रशी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला सेंडिविजन ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज छिया थे और रसूल पुकुटी के फिल्म की साउंड डिजाइनर थे। फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दसवें कुल के धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कलम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की, की एक वैसे बन गए हम विनीत चाको ने कहा की फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष औद्रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही विचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है मधेरों या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो की बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुओं के गुरुआओं पर भी ध्यान दिया। फिल्म समीक्षा वरदान ने देखा की ईसाई प्रीतिकवार है। जोसुआ कोल्टन के शुरुआती अवसर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और व्यापारी को। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालमू के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेन वर्डकन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम बाल सुधे मीन दिलेश पोत नजरिया नाजिम चें श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशुकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रसीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेत बीजू प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी के द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के व्यवसाय कारण के विषयों से संबंधित है ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू में और टू से ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ सीप के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फरवरी ट्वेंटी को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्रपात करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को वे नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से जिसे वह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू सफलतापूर्वक के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्रो नमक एक रिपोर्टर के तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यू एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोशो ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यू को चुप से नशीली पर्दार्थ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गई इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी साथ तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोगों नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और या निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पिसु में आने का रहा है इस तिर अन्य की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोशुआ को जल्द समझाने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस बीच थ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो जोशुआ का एक ओसाई अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक की ओर इशारा करते मैथ्यूज को एक को, एक टेप कर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचरण को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताते हैं जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक व्यक्ति थे और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम सट के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है वे एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आधारित सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रंस की कहानी सुनाई लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहद की बैकेबलिटी भी बढ़ गई थी और रसीद को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला सीन दिसंबर में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ को शूट करने के लिए बोर्ड हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज शाहकार थे और रसूल पुपूटी के फिल्म की साउंड डिजाइनर थे। फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दरवे को लत के धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कलम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रगस की हो धर्म की हो या भावनाओं की धर्म इन दिनों की एक वैसे बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाको ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष अवसाद रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपने ही प्र विचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेशने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए लिखते हुए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो की बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुओं के गुरुआओं पर भी ध्यान दिया फिल्म समीक्षा वरदान ने देखा की ईसाई है जो सुन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और व्यापारी को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालमूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसपेंटी टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विश्व वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम बाल सुधे मीना दिलेश पोतन अजरिया नाजिम चेम्बन विनोद सौबिन साहित श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशुकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रसीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनीत बीजू प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ने रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल ट्वेंटी टू का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई ट्वेंटी टू से और टू सितंबर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड इन्हें बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और सिंह साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोरवरी ट्वेंटी को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उत्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजु प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर की माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज बाद डेविस और इसका से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते हैं उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू सफलतापूर्वक जोसुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्रोत नमक एक रिपोर्टर के तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यू एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यू को चुप से नशीली पर्दा दे दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गई इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और सौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे सिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी सा तोड़ साथ तोड़ देता है। फिर वह एक साड़ी के डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर की लोपो नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पेशों में आने का रहा है इस तरह अंग की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को जैसा समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर थी इस बीच थ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो जोशुआ का एक अनुयायी है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमर और इसहाक की ओर इशारा करते मैथ्यूज को एक को, एक लिया, टेप भेजकर सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचरण को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इस हाँ को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताते हैं जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम सट के रेड की लाइट एरिया में कंच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते हैं और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार ने फौहद फासिन ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आरईफो सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौहद को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहाद की बैकेबलिटी भी बढ़ गई थी और रसी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला दिसंबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ दुर्सियों को शूट करने के लिए बोर्ड हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज शाहकार थे और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दसवे को के धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कदम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की धर्म इन दिनों की एक वैसे बन गए हम ट्रस्ट में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाको ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष औसादरोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपने वास्तविकता के बीच की दरारों को मिटा सके विजु ने अपने ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आगे करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है मधिरो या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पाँच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के लिए, लिए लिखते हुए आस्त्री के गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादास्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो की बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुओं के दस्तर भरो पर भी ध्यान दिया फिल्म समीक्षा वरदान की रंगन ने देखा कि ईसाई हम हर फ्रेम से अच्छा लगता है जो कॉल्टन के शुरुआती अक्षर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और को हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश बोथन की फैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेलाइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेष वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मीन दिलेश पोतन नजरिया नाजिम चेंबन विनोद जो सोबिन साय श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रसीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्ता फासिल के द्वारा अभिनेत विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी के द्वारा ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और कथा के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांसफिन रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल ट्वेंटी टू का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई ट्वेंटी टू सेवन में शुरू और टू सितम्बर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोर्ड हाई स्पीड चीनी बोर्ड कैमरों का उपयोग करने वाली और साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ के मुख्यों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फोर को और पूरे भारत में ट्वेंटी फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उसको समीक्षा प्रपात करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजू प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी के रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कास्टिंग डायरेक्टर की माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका से मिलता है जो विजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचरण की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू पूर्वक जोसुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते और स्लोमन और के उगम को एक बेहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्रो नमक एक रिपोर्टर के तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर एक लाइव चमत्कार की मांग करते जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यूज को चुकुर से नशीली पर्दा दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पदार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और जनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जोसुआ पर हमला किया जिससे उसे स्थिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानी से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती है तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी साथ तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईसाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईसाक सहमत हो जाते हुए इस तेर के लोपोज नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच्चे को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पेशों में आने का रहा है इस तरह अंग की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वो स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को जल्द जा समझाने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस बीच थ्रामस नाम एक जो, जो का एक गरीब आदमी जो जोसुआ का एक ओसाई है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोशुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक के और इशारा करते सच्चाई को, एक को एक कर सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती थे और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कंच के क्यूबिकल में से एक में पाता है फिर एक दूसरे को देखते और जैसे वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में फौहद फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रसीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्बंध खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकथा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर आरई फोर सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उच उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशीद ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौज को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहाद की बैकेबिलिटी भी बढ़ गई थी और रशीद को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ दुर्सियों को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज शाहकार थे और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादर की दरवे को के धर्म और आध्यात्मिकता के वैसे कदम के विषयों से संबंधित है द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रग्स की हो धर्म की हो या भावनाओं की धर्म इन दिनों की एक वैश्य बन गए हम ट्रं में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है डेकन हेराल के विनय चाकू ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष औोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपनी ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेशने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर संबंध का आघन करते जो दो तरह की दीवाओं से निपटती मनोरोगी किस्म की कानूनी और आवेद दोनों और धर्म आस्था यदि पहली को प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की तरह के विकसित किया जा रहा है तो ट्रांस में हमें दिखाता है कि कैसे धर्म के निर्माण भी किया जा सकता है मदिरो या चर्जों में नहीं जैसा कि कोई सोच सकता बल्कि पांच सितारा होटल की लंबी में फीमेल लंबी देसी ऐसी दिखाती है जैसे यह देवताओं की निवास सिल्वर स्क्रीन इंडिया के के लिए गोपाल कृष्णा ने कहा कि फिल्म ने विवादस्पद आस्था के चिकित्सा व्यवसाय की ग्रीन रूम को प्रदर्शन किया जो भोले भाले लोगों को शोषण करते हैं आलोचकों ने ओसो बेनीहीन जैसे के धर्म गुरुओं के गुरुआओं पर भी ध्यान दिए फिल्म समीक्षा वरदान ने देखा की ईसाई है। जोसुआ कॉल्टन के शुरुआती अवसर उनके तीसरे दिन के पुनरुत्थान और व्यापारी को। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मूवी के बारे में तो दोस्तों अगर आप दिलेश पोथन की फ़ैन हो और ट्रांस मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा ट्रांसप्रांति टू की भारतीय मलयालम भाषा की नौ नोयर मनोवैज्ञानिक थिला फिल्म है जो अनवर रसीद के द्वारा निर्देशित और निर्मित और विशेण वर्कन की तरह लिखित है इसमें बहुत फासिल गौतम वासुदे मेनन दिलेश पोता नजरिया नाजिम चेंबन जो सोबिन सा श्रीनाथ भासी विनायकन और अर्जुन अशोकन जैसे कि कलाकारों की टोली शामिल है फिल्म का निर्माण रशीद ने खुद अनवर रशीद एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया था फिल्म की कहानी कन्याकुमारी स्थित नास्तिक प्रेम वक्त फासिल के द्वारा अभिनेता विजु प्रसाद के जीवन की घटनाओं पर आधारित है जिसे एक धोखा खड़ी एजेंसी की तरह ईसाई पादरी के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा जाता है या फिर मदरक माया दड़कों की पर निर्भरता धर्म और आध्यात्मिकता के वैसायिक कारण के विषयों से संबंधित है ट्रांसफिन रशीद के निर्देशन में लगभग आठ साल के अंतराल के बाद वापसी को चिन्हित किया जब उन्होंने उस्ताद होटल 22 का निर्देशन किया था थ्री फोर करोड़ के बजट में बने मौके फोटोग्राफी जुलाई 22 टू से और टू सितम्बर ट्वेंटी टू नाइन को पूरी फिल्म को मुख्य रूप से टर्टी कन्याकुमारी और मुंबई भारत और दुबई में शूट किया गया था यह बोट हाई स्पीड सीने बोट कैमरों का उपयोग करने वाली और साउंड के साथ शूट करने वाली पहली मलयालम फिल्म थी नवागंतुक जैक्सन विजय ने फिल्म के सामने एल्बम की रचना की जिसका सेंस गीत विनायकन ने तैयार किया बैकग्राउंड स्कोर विजय ने सुशील श्याम के साथ मिलकर बनाया था फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अमल नीरन ने की फिल्म की रिलीज को कई बार टाल गया शुरुआती रिलीज मार्च 2019 के लिए निर्धारित की उत्पादन में देरी के साथ साथ सीप के मुक्शों के कारण फिल्म की रिलीज से एक हफ्ते पहले इसे पायरेसी वेबसाइट पर लीक कर दिया गया ट्रांस केरल में ट्वेंटी फरवरी ट्वेंटी, और ट्वेंटी को और पूरे भारत में 28 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म को तकनीकी पहलुओं और कलाकारों के टुकड़े के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ आलोचकों की प्रशंसा मिली उद्कृष्ट समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद भारत में नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण फिल्मों को विश्व नुकसान हुआ और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई विजू प्रसार एक छोटी मोटी प्रे का वक्ता है जो अपने पापसी की रूप से अस्थिर छोटे भाई कुंजन के साथ कन्याकुमारी में रहते जब कुंजन आत्महत्या कर लेता है तो विजू तबाह हो जाता है और मुंबई चला जाता है वहाँ कविता नमक एक कॉस्टिंग डायरेक्टर के माध्यम से जिसे वजह एक बार कन्याकुमारी में मिला था वीजू धोखेबाज स्लोम डेविस और इसका थ्रामस से मिलता है जो वीजू को एक ईसाई पादरी के रूप में पेश करने और फौजी चमत्कार करने के लिए काम पर रखते उन्हें कोची भेजा जाता है जहाँ उन्हें उनकी सहयोगी और आचन की तरह उनकी भूमिका के लिए प्रेक्षित किया जाता है जो बीजू का नाम बदलकर जोसुआ कल्टन रख देते हैं शुरू में झिझकने के बाद वीजू सफलतापूर्वक जोसुआ के चरित्र में बदल जाता है वह कई लोगों की भक्ति को पकड़ लेते हैं और स्लोमन और के उगम को एक बैहतरी घटना में विकसित करने में मदद करते अपनी के चरम पर जोसुआ को मैथ्री नमक एक रिपोर्टर की तरह टीवी संजयकार के लिए आमंत्रित किया जाता है ऑन एयर मैथ्यूज एक लाइव चमत्कार की मांग करते हैं। जोसुआ ने एक विज्ञापन ब्रेक के दौरान मैथ्यूज को चुप से नशीली पर्दाथ दे दिया जैसे वह कैमरे के सामने गिर गए इस घटना को शुरू में एक चमत्कार के रूप में देखा जाता है लेकिन बाद में एक रक्त रिपोर्ट साबित होता है कि उसे नशीली पर्दार्थ दिया गया था अपने उगम को संकट में डालने और असौर्यजनिक से उजागर होने की जोखिम से क्रोधित होकर स्लोमन और इसका जुसुआ पर हमला किया जिससे उसे स्थिर में गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा वह दो दिनों तक कोमा में रहता है और वे आगे की किसी भी परेशानियों से बचने के लिए चुपचाप उसे मारने का फैसला करती तीसरे दिन जो सुबह इधर उधर घूमने लगता है और अपने बिस्तर के पास किसी साथ तोड़ देता है। फिर वह एक साइकिल डेली की ट्रांस में चला जाता है और चमत्कारिक रूप से ठीक होकर होश में आता है वह स्लोमन और ईशाक के साथ अपने सौदे पर फिर से बातचीत करते हैं ताकि एटी मुनाफा अपने पास रख सके यह संदेह करते हुए कि जोशुआ मानसिक रूप से बीमार है स्लोमन और ईशाक सहमत हो जाते हुए इस तेर की लोपो नमक एक मॉडल और सेक्स वर्कर को उसे देखने और यह निर्धारित करने के लिए नियुक्त करते कि उसकी बीमारी एक दिखावा या नहीं इस तेर का खुद का अतीत एक रिश्ते में धोखा खाने एक बच को जन्म देने अवसाद में अब आने और फिर पिसु में आने का रहा है इस तरह की करीब आ जाती और मानती है कि वह वास्तव में अस्थिर है जब वह स्लोमन और इसाक को यह बताती है कि तो उसे तुरंत ले जाया जाता है और आज जोसुआ को जल्द समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिर उसकी कल्पना के ऊपर से इस विथ्रामस नाम का एक गरीब आदमी जो जोसुआ का एक ओसाई है अपनी छोटी बेटी की बुखार को उसकी चमत्कारिक इलाजों के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करता जब वो अंत अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ देती तो जोसुआ तबाह हो जाता है वह थ्रामस के सामने अपनी सच्चाई को उजागर करते और उसे घोटाले के पीछे मास्टर के रूप में स्लोमन और इसहाक के और इशारा करते मैथ्यूज को एक को, एक टेप सच्चाई को सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं स्लोमन को आदेश पर मैथ्यूज की हत्या कर दी जाती है लेकिन अपने मरने की क्षणों में वह वीडियो को प्रसारित करने में कामयाब हो जाता है जैसे ही यह सार्वजनिक होता है और आचन को एक घातक आघात लगता है थ्रामस अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए स्लोमन और इसहाक को मार देते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण अपने अपराधों से बरी हो जाता है और एक पूर्णवास के केंद्र में समय बिताता है। जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि स्थिर वास्तव में एक वास्तविक बहती है और उसे खोजने के लिए एम सॉट की ओर निकल पड़ता है वह उसे एम के रेड की लाइट एरिया में कांच के क्यूबिकल में से एक में पाता है वे एक दूसरे को देखते हैं और जैसे ही वह उसके पास दौड़ती है फिल्म कांच को टूटने की आवाज़ के साथ ब्लैक हो जाती है मार्च ट्वेंटी टू सिक्स के साथ संजयकार में बहुत फासिल ने खुलासा किया कि वह अनवर रशीद की अगली निर्देशित फिल्म में अभिनय करेंगी और इसका विषय ताजा है जिसे मलयालम सिनेमा में कभी नहीं जा आजमाया गया कि ट्रंस की आधिकारिक घोषणा जून ट्वेंटी टू सेवन में एसेंस पोस्टर के साथ की गई थी फिल्म का निर्माण खुद रसीद ने किया था कि यह फिल्म पटकटा लेखक के रूप में विंसेंट वटकन की पहली फिल्म है रसीद पहले वटकन की पटकथा पर फोर्स सुधरी काल ट्वेंटी टू थ्री में एक लघु फिल्म निर्देशित करने वाले थे लेकिन यह लगाकर की नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सही कलाकार नहीं मिले बाद में भटकर ने ट्रांस की कहानी सुनाई है लेकिन तब हुआ इसके उच्च उत्पादन लागत के कारण फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं थे रशी ने तभी मुख्य भूमिका के लिए फौह को ध्यान में रखा था तब तक कहानी बदल चुकी थी और फहार की बैकेबलिटी भी बढ़ गई थी और रशी को फिल्म के निर्माण पर पूरा भरोसा था जुलाई ट्वेंटी सेवन में फिल्म मकान शुरू हुआ फिल्म मकान का एक सप्ताह का पहला पहलाबर ट्वेंटी टू सेवन में मुंबई में पूरा हुआ मलयालम सिनेमा में पहली बार फिल्म की कुछ दुर्सियों को शूट करने के लिए बोल्ट हाई स्पीड स्पीडोर्ट कैमरों का इस्तेमाल किया गया था फिल्म को सिंक साउंड के साथ शूट किया गया फिल्म की शूटिंग की मुख्य रूप से तटी कन्याकुमारी भारत और दुबई के विभिन्न स्थानों पर की गई है जुलाई ट्वेंटी टू नाइन में यह बताया गया कि उत्पादन पूरा होने पर ट्रांस के लगभग ट्वेंटी करोड़ के करीब होने की उम्मीद है अमन नीरज शाहकार थे और रसूल पुकुटी के फिल्म के साउंड डिजाइनर थे फिल्म का दो सितंबर 2029 को पूरा हुआ फिल्म मादरा की डरवे को के धर्म और आध्यात्मिक कथा के वैसे कथन के विषयों से संबंधित थे द हिंदू के साथ एक संजयकार में फांसी ने कहा कि फिल्म नशे की लत के बारे में चाहे वह ड्रोग की हो धर्म की हो या भावनाओं के धर्म इन दिनों की एक वैसे बन गए हम ट्रंस में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवता और करुणा धर्म से ऊपर है हेराल के विनित चाको ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अवसाद से संघर्ष औद्रोधी दवाओं का अनियंत्रित सेवन और एक भ्रामक जीवन शैली मिलकर अपनी वास्तविकता के बीच की, की दरारों को मिटा सके बीजू ने अपने ही प्रचार में विश्वास कर लिया है। और कुछ हद तक अपने आवेदने के चमत्कारों पर विश्वास करने लगा फिल्म विज्ञान और आस्था के बीच के अंतर